सिकंदर कहाँ के रहने वाले हो? मोदापारा। कितने पढ़ाई किए हो तुम? दूसरी पढ़े हो। साहब को फोन करके बताया क्यों नहीं कि 5 लाख रुपए गायब कर दिए मैंने आपके? चिंता मत करो, बेवकूफ मैं ही हूँ, मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। पुलिस पीछा की तो छोड़ के भागे हो। थाने में झूठी रिपोर्ट लगाई। क्यों झूठी रिपोर्ट लिखाई तुमने? सही दिमाग के हो, गड़बड़ दिमाग के हो। मुझे लगता है इनका ना सेवा सत्कार नहीं हुआ है। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान। झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। सिकंदर कहाँ के रहने वाले हो? मोदापारा। तो ये अचानक ये लूट करने की का दिमाग में कैसे आया? सर भाई ने गाड़ी बुकिंग की थी मेरी। हाँ। बोल रहे थे कि गाड़ी मैं फोन करूँगा। हाँ। तो गाड़ी खरियार रोड से पहले आ जाना। हाँ। और मैं तुम्हें एक बैग दूंगा, तो लेके चले जाना, 3000 रुपये तुम्हें दूंगा मैं। हाँ। एक दिन पहले फोन किया था तो मैं बोला ठीक। कौन भाई? ये दिलसाद भाई। दिलसाद भाई जी आ गए भाई। दिलसाद भाई जी ये प्लानिंग कैसे बनाया तुमने, बताओ जरा दोबारा। ये पैसा लिया था मैं, एक से दो बार वहाँ पे होके आ चुका हूँ खैरागढ़ के टाइम में। एक दिन मुझे पहले पता चल गया था कि जाने वाले हैं, पैसे का लेन देन होने वाला है जी। तो तुमने प्लानिंग बना ली जी सर, और तुमने अपने साथ में इन दो लोगों को रखा जी। और मेरा वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ साहब के पास में, तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी 50,000 के महीने में लगी हुई है। मुझे था 1 लाख रुपए ले लूंगा साहब को, 4 लाख दे दूंगा तो अगले महीना पटा लूंगा, यही इरादा था। और तो यही इरादा था तो साहब को फोन करके बताया क्यों नहीं कि 5 लाख रुपए गायब कर दिए मैंने आपके? चिंता मत करो, तो बेवकूफ मैं ही हूँ, मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। तो ये 5 लाख रुपए ले जाने के बाद कहाँ पहुंचे तुम लोग? कार को कहाँ ले गए? भाई साहब पूरा गाड़ी में था। और गाड़ी को लेके कहाँ गए? वही धमदा के आगे में, धमदा के आगे 5-6 किलोमीटर बाद थाने से खड़ा करके। खड़ा करके फिर क्या किए? वापस आ गए। हाँ वापस आ गए। पैसा कहाँ था फिर? गाड़ी में। क्या कहानी है? ये गाड़ी को सर उठा के दो लोग ये मोटरसाइकिल से पहुंचे और एक कार को ले गया और एक मोटरसाइकिल उठा के ले गया। बाद में देवकर के पास में छोड़े बेमेतरा रोड। बेमेतरा रोड पे क्यों छोड़े? बरामद हुई गाड़ी। हाँ जब पुलिस पीछा की तो छोड़ के भागे हो, ये पूरी कहानी ऐसे बताओ ना यार। तो उसी दिन हमारी कब्जे में आ गई थी क्या गाड़ी? दूसरे दिन सवेरे कब्जे हम ही लेके गए थे। पूरी कहानी गड़बड़ा गई ना। अनंत आप कहानी बताओ क्या हुआ? कहानी समझ नहीं आया। पहले क्या ये प्रार्थी है, पहले ये प्रार्थी बन क्या है थाने में कि गाड़ी और कैश जो है, गाड़ी और कैश हमारे साथ लूट हो गया। ये बता इनको, इसने प्लान किया, मतलब इसको ये पैसे लेके आता था, उसके व्यापारी है वो अपने पैसे बुलवाता था खैरागढ़ से, उसको पैसे बुलवाने थे। इसको राशि पता चल गया कि कल पैसे लाने, अमाउंट नहीं मालूम था लेकिन मोटा अमाउंट है इसको मालूम था। इसने दो आदमी अपने तैयार कर लिए कि कल मतलब जब भी जैसे ही घटना घटित होगी तो मतलब कल मैं लेके आऊँगा पैसे, तो बीच में से पैसे उठवा लूँगा। इनको समझा दिया तो ये मोटरसाइकिल में मैं यहाँ मिलूँगा, फ़ोन करें। इसने दूसरे फ़ोन से इस्तेमाल किया, अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया बुलाने के लिए। तो खैरागढ़ से जब ये पैसे मिल गए इसको, फिर इसने उसको फ़ोन से बुलाया कि तुम लोग मेरे को यहाँ बरहापुर के पास मिलना। तो ये शौच करने का बहाना किया इसने, उनको पैकेट दे दिया पैसे का और गाड़ी दे दी और बोले तुम लोग जाओ। ये थाने पे आ गया रिपोर्ट करने कि मैं शौच करने उतरा था और तब मेरी गाड़ी को लेके दो लोग भाग गए। हमको गाड़ी दूसरे दिन हमने जब तलाश किया, टीम लगी पूरी अपनी हमारी साइबर टीम की और झंडा की, तो देवकर के पास में गाड़ी मिली हमको। गाड़ी लेके तुम गए पूछताछ में पैसे पर? तुम्हारी गाड़ी है? क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर। सिकंदर सिकंदर गाड़ी है। प्लानिंग क्या हुई थी?
इन्होंने रात में मुझसे दो बार फोन किया था, बोले उसके कल की बुकिंग के पास मिलने के लिए किया मैं, तो बोले कल के लिए खरिया रोड के पास मैं आ जाऊंगा, तो फोन करूंगा सफात को लेकर के आ जाना वहाँ पर। तो उसने बोला ठीक है, तो मैं उनको लेकर वहाँ पर गया धमधा के पास से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के फिर आगे में 7-8 किलोमीटर आगे गया मैं, वहाँ पर मिल गया था सफात को, मैंने वहाँ उतारा, इनके एक झोला रखा गाड़ी में, मेरे से बोले तुम चले जाओ, मैं वहाँ से गाड़ी दुरुग होते हुए चला गया रायपुर। तू रायपुर चले, गाड़ी तो बीच में छोड़ दी है? नहीं, इनकी गाड़ी अलग थी, मेरी सर टैक्सी है, मोटरसाइकिल की रिपोर्ट लिखा है, लेकिन आए कार में। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तो क्यों भाग गए गाड़ी छोड़ के आधे रास्ते में? बैग लेके चला गया रायपुर, मेरी गाड़ी लेके ये चला गया उधर, गाड़ी समेत पैसा गाड़ी में था, 1,00,000 रुपए निकाले थे। फिर उसके बाद में मैं थाने गया, थाने में क्या बोला तुमने? थाने में ये झूठी रिपोर्ट, क्यों झूठी रिपोर्ट लिखाई तुमने? फिर उसके बाद झूठी रिपोर्ट क्यों लिखाई? कुछ कारण होगा ना झूठी रिपोर्ट, मेंटल हो गया तो उसका ट्रीटमेंट है मेरे पास अलग। सही दिमाग के हो, गड़बड़ दिमाग के हो, मतलब ये प्लान को फायदा होता है ना कोई प्लान बनाने का, ये प्लान का मकसद क्या था ये तो बताओ। 1,00,000 रुपए लेने का था साहब को, मैं फोन करके बोला कि साहब ऐसा समय टर है, झूठी रिपोर्ट लिखाया हूँ कारण, क्योंकि पैसा का मामला था तो कुछ लफड़ा नहीं होगा इसी करके। तो साहब बोले कि जो है साफ साफ बोलो, कोई पैसा हमारा 2 नंबर का नहीं है। फिर बाद में पैसा लिखाया। अरे भैया साहब से 1,00,000 ले लेते, तुम तो जितना बेवकूफ समझते हो क्या पुलिस को, तुम और तुम्हारे साहब मिलके ये काला पैसा सफेद पैसा कर रहे हैं, इनका मालिक कौन है? युवराज वर्मा जी का पैसा था। हाँ, वो क्या बोले? उनका कहना सर 5,00,000 रुपए मैं खरागढ़ से जब लाने के लिए भेजा, तब वो क्या प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलिंग में जो पैसा था वो बोले की लाना, हमेशा लाने जाता है खरागढ़ से पैसा लेकर के, जैसे आने का 18 तारीख को इसको पता चल गया पैसा लेने मेरे जाना है करके, ये वहां से लिया पैसा 5,00,000 रुपए। उसके पहले ये लोग 18 तारीख को पहले फोन कर दिया था, जा करके इन्होंने क्या बोलते कॉल किया, ठेलका चौक के पास पहुंचा और फिर से कॉल किया। अरे वो बात कहां समझ गया मैं, तो पैसा लेके भागे क्यों नहीं ये लोग? जी सर, पैसा देके भागे क्यों नहीं? पैसा लिया ना सब, पार्टी बना रहे सर। 1,00,000 में कितना कितना बांटे दोनों को? 5,000 दिए तुमने और 90,000 ये दबा दिया। ये तो फिर जब ये 1,00,000, इनका प्लान क्या था कि 1,00,000 दबा के फिर 4,00,000? नहीं सर, पूरे 5,00,000 दबाते सर, पूरे दबाते सर, ये गाड़ी दूसरे का छुपा के रखे थे, बाकी पैसा तो उसमें रखे थे और गाड़ी को छुपा के, गाड़ी को छुपा के रखे थे कि पता नहीं चलेगा तो फिर और निकालेंगे। और निकालेंगे इसकी जो गाड़ी है सर, घटना में प्रयुक्त उसने जीपीएस लगाया, जीपीएस इसने ऑलरेडी बोल दिया था कि वहाँ पे गाड़ी पता चल जाएगी, तो इसने गाड़ी, इसलिए मैं गाड़ी के पास आ जाऊंगा, जीपीएस ट्रैक करते पहुंची जाएगी पुलिस और सेठ जी भी पहुंची जाएंगे। जब इसको शंका हुआ सर कि पुलिस अब इसको समझने लगी कहानी को करके, तो ये खुद ही फिर बता रहा है कि हमको सूचना मिल रहा है कि गाड़ी वहां पास है करके। कॉम्प्लिकेटेड है यार, सेठ के साथ में गया मौके पे, गाड़ी में 4,00,000 रुपए निकला सर। अब 1,00,000 रुपए चाल, 1,00,000 रुपए कहाँ का मूल, तो यहाँ का नहीं लग रहा है छत्तीसगढ़। नहीं की बताओ, तुम्हें इतने ईमानदार थे तो अपने सेठ से 1,00,000 क्यों नहीं मांग लिए? सर ये मेरा वहाँ महीने में गाड़ी लगा के रखा हूँ, तो मैं ले लूंगा, तो साहब 4,00,000 रुपए मान जाके तो बोलूंगा अगले महीने में सर मैं आपको वो कटा लूंगा। मजूरी रिपोर्ट करने क्यों आए थे? मुझे लगता है इनका सेवा सत्कार नहीं हुआ है। इंजेक्शन इसी की निशानदेही पर, फिर सरकार और पैसे इसी की निशानदेही पर बरामद किए, फिर 4,00,000 रुपए जो पैसे बरामद किए उसकी, इसके और बाकी का लोग समझ रहे हो कहाँ हो तुम? देखो एक तो आपकी भी हवा निकली होगी, ये तो मैं पहले समझ गया हूँ, क्योंकि वाइट का पैसा नहीं है, ये पैसा है कच्चे का है, इसीलिए जब्त भी हो रहा है, नहीं तो मालिक जब्त होने, वो मालिक इसको लेने भी नहीं आएगा, वो स्पष्ट बता रहा हूँ मैं, ये अब जब्त हो गया क्योंकि ये पैसा लिखा पड़ी का है ही नहीं, क्योंकि लैंड ट्रांजैक्शन में 2,00,000 रुपए से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और ये है
5 लाख तू तो वैसे ही गया, जो दिया होगा वो। खैरागढ़ से किससे लिया था पैसा? किससे लिया था पैसा? सेठ है विक्की धारिया करके, बड़े भैया। बड़े भैया ऐसे बोल रहे हो कि तो पुलिस में हो तो पजामा हो तुम लोग। बढ़िया बोला भैया नहीं, बढ़िया क्या नाम बताया पूरा? विक्की बढ़िया लिखा है। बढ़िया, चलो विक्की बढ़िया। तो विक्की बढ़िया से किस चीज का पैसा दिया 5 लाख? तो मुझे मालूम नहीं, मैं लेके आता था बस। तुम लेके आने जाने का कैश का हमेशा काम करते थे? महीने में कितनी बार कैश का लेन देन करते थे तुम? इस महीने में 3री बार गया हूँ, उससे पहले हमने पैसा का लेन देन नहीं किया। मैं साहब के साथ में ही रहता था परमानेंट। तो ये कैश था एक, तो इसलिए खतरा था। तो तुम्हारा मतलब मकसद क्या था कि 5 लाख से तुम 1 लाख? लेकिन तो 1 लाख रुपए का तो साहब से खुद ही ले लेते, तुम तो प्लानिंग किए ना इसमें। मेरे को जो लग रहा है बताएं, ये 5 लाख नहीं चोरी करना, सिर्फ 1 ही लाख करना चाहता था। 4 लाख को अपने एलिबाई टाइप का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि शरीफ भी दिखे। क्यों 1 लाख उसके मन की बात में सोच, ये लोग सोच रहे थे कि 5 लाख में 1 लाख दबा दो, 1 लाख के दोनों मिलकर दिखाएंगे कि गायब हो गया 1 लाख, पुलिस रिपोर्ट करूंगा, पुलिस ढूंढेगी, मैं ही मदद करूंगा, रिकवर करा दूंगा 4 लाख और 1 लाख गायब हो जाएगा। 4 लाख में सेठ भी, सेठ भी फिर खुश हो जाएगा कि इसकी मदद से ईमानदार आदमी है, 4 लाख में दिला दिया है। अर्धसत्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुमने पुलिस को इतना बेवकूफ समझाया गया, स्टोरी जबरदस्त कि तुम ऐसी फिल्मी स्टोरी बनाओगे फिल्म देख के और पुलिस को कुछ हवा नहीं लगेगी। ये कहां से प्लानिंग की है? प्लानिंग प्लानिंग नहीं सर, अपना ये तो डुबा के कर लेंगे और इन दोनों को भी तुमने जेल पहुंचा दिया अपने साथ। तुम लोगों को बुद्धि नहीं है कि एक कोई 5000 रुपए देगा केवल एक बैग उठाने के लिए? कितने पढ़ाई किए हो तुम? दूसरी पढ़े हो सिर्फ 5000 का? अभी दो नौकरी हो तुम, और तुम भाई 7, तुम 0 0 2 7। तीनों मिलके पुलिस को बेवकूफ बनाने का काम करते हो, पुलिस की छवि खराब करते हैं और 5 लाख की लूट का एक FIR करवा दिए मेरे यहाँ। जब पता था तुम्हें कहाँ गाड़ी रखी है, कहाँ ये रखा है, और एक गाड़ी, पहली गाड़ी किसके नाम पे है जो गाड़ी जब्त हुई? तुम्हारे नाम पे। कितने लाख की गाड़ी है? 5-6 लाख। वो कैसे खरीदे 5-6 लाख? लोन में गाड़ी लिए थे? लोन पे ठीक है। अरे भाई बैंक को डुबो दिए। कौन से बैंक से लिए हो? कौन से बैंक से लोन लिए हो? AU स्मॉल फाइनेंस। कब लोन लिए हो? इतनी मेहनत करके तुम ऑटो से कार पे पहुंचे, कार से वापस जेल पहुंच गए। तुम्हारा तो बहुत तगड़ा प्रोग्रेस है यार। ऑटो भी गया, कार भी गई। ऑटो ही जब्त हो गया क्या? नहीं, ऑटो चलाता था बोल रहा है। तो इससे अच्छा तो ऑटो ही चला लेते यार। कहां तुम कार में आ गए? और आप क्या काम करते हो? उसको भी कस कर। हां टैक्सी मेरी भी। एक टैक्स आपकी टैक्सी कौन से फाइनेंस की है? तो आपने चोलामंडलम को निपटाया, इसने AU को निपटाया। तो आपको लगा नहीं है जब ये थाने जाके अपराध कायम कर रहा था, उसकी जानकारी नहीं थी आपको? रात में मालूम चला, तो रात में मालूम चला, चिंता नहीं हुई आपको? डर रहे थे तो डरते रहो, मना करते ना, खुद थाने आ जाते कम से कम। ये मालूम चल गया कि थाने में FIR हो गया है, तुम्हें थाना आना चाहिए था ना अपनी बात रखने के लिए। हाँ, और तुम्हें कब मालूम चला कि FIR हो गया है? तुम क्या काम करते हो? हाँ, तुम भी ऑटो, अपना ऑटो था तुम्हारे लोन पे, किराया का था। किसका किराया का था? तो तुम्हारा ऑटो जब्त हुआ नहीं हुआ? बाइक पे आए थे जरा तो बाइक बाइक तुम्हारा अपना था क्या? गाड़ी में, इनकी वाली गाड़ी में, तो इनकी गाड़ी जब्त हुई और इनकी गाड़ी जब्त हुई, दोनों काटो बच गया।
तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही? सर गलती महसूस हो रही है। तो ये नशे में प्लानिंग किया था कि सोच समझ के प्लानिंग किया था? ये नहीं मालूम था सर, इतना प्रॉब्लम हो गया। ये नहीं सोचा था कि पुलिस पकड़ लेगी? तुमने सोचा था पुलिस तो बेवकूफ है? नहीं, पुलिस तो बिल्कुल कुछ अकल ही नहीं है पुलिस को। तुम ऐसी प्लानिंग बनाओगे कि खुद दो दोस्तों से कार में लेके आओगे, पैसा लेके दोनों कार लेके निकल जाओगे, एक कार को छोड़ दोगे, खुद जाके एक कार में 4 लाख पकड़वा दोगे। पहले कभी ऐसा कुछ काम किया हो क्या? दो नंबरी जिंदगी में नहीं किया हो? पहला पहला है, पहला पहला ही लूट में फंसे हो तुम लोग। तीनों एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन कौन से धारा में FIR हुआ? चोरी में। कितना पैसा खर्चा किया? कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए ना। 36,000 किए ना, 4,64,000 रिकवर, 36,000 किए। क्या किया पैसा? 36,000 ये मालिक से कितना उधार लिया निकला? हाँ, 10,000 कम 10,000 इतने खर्च किया, 12,000 इनका है, दे दिए वापस। तो एक क्यों था, ये जब पता चला कि ये पकड़े गए हैं, हम लोग पकड़े तो डर नहीं लगा पकड़े जाएंगे? मैं भी थाने जाके सरेंडर कर देता हूँ। भगते भगते आए हो तुम, निपटारा। और भाई आप कहाँ थे जब पुलिस ने याद किया आपको? रायपुर। तो आप लोग गाड़ी को लिए, गाड़ी को कहाँ छोड़ के भागे आप दोनों? अपनी गाड़ी वापस लेके गए। ठीक है, इनकी गाड़ी में सामान था 5 लाख, इनकी गाड़ी कौन लेके गया? एक झोला था, एक बैग। उसको कहाँ रखे? झोला मेरी गाड़ी में रख दिया था। हाँ, इनको मैंने गाड़ी से वहीं उतार दिया था। हाँ, ये मेरे तुम चले जाओ। तो आप आपकी गाड़ी में पैसे के साथ रायपुर पहुंचे? मात्र 2 लाख रुपए था। इन्होंने बताया था कि मेरे गाड़ी 2 लाख रुपए है, शाम को वर्मा जी को देना है। वर्मा जी कौन है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा गाड़ी। तो 5 लाख था, तो 5 लाख इनकी गाड़ी, इनकी गाड़ी में था, इनकी गाड़ी से 5 लाख कहाँ गया? रायपुर में आई, तब तक आपका पैसा गाड़ी में ही था। पुलिस को ये लेके आए? तो रात में आए थे। कौन? हाँ, 11 बजे रात में। आपने झोला उनको दे दिया? पैसा वर्मा जी को देना, लेके ऐसा। अब क्या करें बताओ यार, ऐसे लोगों का खर्च कितना किया? 36,000। अब बताओ ये लोग पुलिस को बेवकूफ बनाने के, इसमें बहुत एंगल है। सबसे बड़ा एंगल तो व्यापारी का है, क्योंकि वो फंसेगा बुरी तरह से, क्योंकि 5 लाख का कैश है ना, उसको दिखाना पड़ेगा फोर्स कैश कहाँ से आया। मोबाइल लोकेशन निकाले गए तो वो भी लोकेशन धमधा में ही घटना के टाइम पे पाया जा रहा था। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्त में लिया। उनकी गिरफ्त में लेने से सख्ती से पूछताछ में मालूम चला कि उसमें से एक लड़का जो है, दो जो है वो अपनी दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे, और एक बंदा उतर के जो प्रार्थी का गाड़ी है उसको लेके निकल गया, जबकि दूसरा अपनी गाड़ी में निकला। और ये लोग को प्रार्थी के साथ मिलके इन लोगों ने 5 लाख की लूट के षड्यंत्र में सहभागिता की। जब पुलिस की दबिश पड़ी तो एक गाड़ी जो है रायपुर से जब्त की गई, और एक गाड़ी जो है धमधा से 30 किलोमीटर दूर जो है आगे पकड़ी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4,64,000 रुपये रिकवर किया। दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। जो 5 लाख रुपये जब्त किए गए हैं उसके लिए भी इनकम टैक्स को जानकारी दी जाएगी। 50,000 से ज़्यादा की जब्ती है। कहीं ना कहीं पुलिस के तत्परता के कारण जो है ये झूठा आरोप जो ये लोग जो झूठी केस इन्होंने की थी उसका खुलासा हुआ है, और इनके ऊपर धारा 120 भी आपराधिक षड्यंत्र का भी जोड़ा गया है, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह से झूठे केस जो हैं वो ना लिखाए जाए। मास्टरमाइंड सिकंदर था, जो कि राजनांदगांव से दूर पैसा लेके आया था, क्योंकि लगातार वो पिछले 2-3 साल से इस मालिक का पैसा लाया करता था, बड़ी मात्रा में कैश लाया करता था। उसके मन में लालच हुआ, उसने कुछ कर्जा भी ले रखा था, तो कर्जा को भी लौटाने के लिए और इस पैसे को तीनों बांट के जो है इसको बांट लेते। इस चक्कर में इन्होंने इस तरह के जघन्य अपराध को किया।